सर मटन कराई है, मटन कीमा, देसी मुर्गा, चकन आ गया, चिकन कराई की खाना हुक्म करो। ठीक है, क्या हो गया क्या हो गया? ओए होए होए, ये है खूबसूरत लाहौर का माहौल। अस्सलाम वालेकुम शपैक गैंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई आ रहा है जैसे एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आज मेरे दो अनमोल रतन पैंथर और शिकरा दोनों इकट्ठे निकले हैं राइड पे, और राइड पे जा रहा है भाई पैंथर पे होगा और शिकरे पे कौन होगा जरा आगे मुखड़ा दिखाइए, और जेडी होगा शिकरे पे। क्या प्लान है जेडी? यार आज लाहौर फिरते हैं। लाहौर फिरते हैं? लाहौर फिरते हैं। फैंसी बाइक्स होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये डिफेंस की सड़कों पे चल सकते हैं। सड़कों पे चल सकते हैं, आज चलते हैं, देखते हैं नाइट क्रिकेट कहाँ कहाँ पे हो रही है, वहाँ पे जाके बस पीछे जाके हल्का सा ना बूम करना है। अच्छा, आपको पता है कि शहरी का माहौल लाहौर में किस तरह का चलता है और ओवरऑल पाकिस्तान में शहरी इफ्तार टिल शहरी ये जो एक अलग माहौल होता है, तो आज हम दोनों बाइक्स को लेके जा रहे हैं राइड पे अंदरून लाहौर में, क्योंकि अंदरून में बड़ी क्रिकेट और ये चीजें चल रही होती हैं, लेकिन वीकेंड पे चल रही होती है, आज वीकडे है। देख लेते, नहीं तो फिर रोटी खा के वापस आ जाएंगे। नहीं तो रोटी खा के वापस आ जाएंगे। देखेंगे हम जरा किस रूट पे जाते हैं, गवाल मंडी या दिल्ली गेट या किस साइड पे। दोनों पैंथर और शिकरे अनमोल रतन इकट्ठे जा रहे हैं आज, और राइड पे सिर्फ मैं और जेडी नहीं है, हमारे साथ है अमाद जो के होगा शिकरे पे। बहुत रिस्की राइड है जवाद के पीछे बैठ, बंटी तो तेरे साथ बैठता ही नहीं ना, मानता ही नहीं, लेकिन जवाद पहली दफा और आखिरी दफा। क्या हाल है अहमद वैसे? ठीक ठाक। और पैंथर के पीछे बैठा होगा अब्दुल्ला। नहीं नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। यार मैं बिल्कुल शरीफ राइडर हूँ ये आप लोगों को पता है, तो आज हम लोग अब देखते हैं कि अंदरून में क्या मजे आते हैं दोनों बाइक्स को ले जाने। लें जी माशाल्लाह पैंथर इज रेडी, और 12:18 हुए हैं, जेडी रेडी खड़ा फुल। चलो लें जी बिस्मिल्लाह राइड शुरू, देखते हैं आज हमें अंदरून लाहौर में क्या क्या माहौल मिलता है। ओए होए होए होए, पैंथर खूबसूरत माशाल्लाह। आज का हमारा राइड रूट क्या होगा वो जेडी को पता है, क्योंकि जेडी आगे आगे है और मैं जेडी को फॉलो करूंगा। मैंने कहा तो है कि यार दिल्ली गेट और बादशाही मस्जिद वाली साइड पे चलते हैं, देखते हैं अंदरून का क्या माहौल है इस टाइम। मैं एक्साइटेड हूँ अंदरून की गलियों में पैंथर और शिकरे को ले जाने के लिए। आ चेक करो जी ट्राली किमें तुनी हुई है, वो ट्राली वाले से पूछ रहे रेस लगाए उसके साथ। वो खुद कह रहा है यार रेस लाइए। उन्हें वीली चौकते नहीं है, उसकी थले भी नहीं आनी। जेडी भी माशाल्लाह शिकरा राइड कर करके जो है ना वो अच्छा राइडर होता जा रहा है। मैं बेसिकली जेडी को तैयार कर रहा हूँ अपने साथ राइड्स पे ले जाने के लिए, तो इसकी सिटी राइड्स जो मैं अक्सर करवाता रहता हूँ। ये देखो जी ट्राले वाले ने अपनी मर्जी से कि मेरे पापा ने सुबह ही इस रोड को ख़रीदा है तो मैं किसी भी तरफ मोड़ सकता हूँ, दूसरे ट्राले वाले भाई के साथ रेसें लगा सकता हूँ। हद है यार। अनारकली की तरफ रवा दवा, अभी यहाँ पे माहौल नज़र आएगा मेरा ख्याल है अंदरून का जो माहौल होता है रात को खाने पीने। लाहौरी आवाम जो है ना बड़ी एक्सट्रीम लेवल एक जिंदा दिल आवाम है, ये आपको कहीं से पता लग रहा है कि रात का सवा एक हुआ हुआ है। ये सारे यहाँ पे मशहूर फलूदे वाले लसानी फलूदा, उसके बाद यहाँ पे वो राइट साइड पे यूसुफ फलूदा है,
और ये लाहौर की आवाम ये हम लोग आ चुके हैं न्यू फूड स्ट्रीट में, यहाँ पे सारा खाने का माहौल होता है। वी आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वीक डे है और रात का सवा एक हुआ है। ये चेक करो यहाँ पे शॉपिंग पूरी चल रही है, खाने पूरे चल रहे हैं, ये तिक्के लग रहे हैं, ओए होए होए तुए उड़ रहे हैं। मैं वैसे लास्ट सैटरडे नाइट भी आया हूँ, संडे नाइट भी आया हूँ, तो उन दिनों में तो बहुत ज़्यादा माहौल, मतलब जितना आपको अभी नज़र आ रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये शायद 10% होगा जितना वीकेंड्स पे था। क्या हाल है, ठीक हो? और ये यहाँ पे गाइज आपको मिलेगा नाइकी, एडिडास, गुची, लुई विटॉन। व्लॉग में आ रहे हो? क्या ब्रांड को नाम लो, यहाँ पे सब मिलेगा आपको। न्यू फूड स्ट्रीट से एग्जिट और ये हम लोग आ गए जी माल रोड पे। क्या अनारकली रश बहुत ज्यादा नहीं होगा? जलालत है और नहीं नहीं अनार के लिए बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा यार, वो तो पहली बाइक जो है वो मेरे तो टांगे रोस्ट कर रहा है। इधर से कहीं से कहां से दिल्ली गेट चलते हैं, उर्दू बाजार, दिल्ली गेट, वो जगह देखते हैं। ये इस तरफ अनार के लिए, लेकिन अनार के लिए में इस टाइम इतना रश है कि अगर हम बाइक ले गए ना माल रोड, ओहो हो खूबसूरत लाहौर की एक खूबसूरत तरीन, क्या इस रोड की तो अक्सर लोग जो ओवरसीज देख रहे होंगे या कुछ अंकल्स जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको तो माल रोड के साथ, जो लाहौर के होंगे उनको तो माल रोड देख के बहुत कुछ अपना पुराना दौर याद आ रहा होगा। माल रोड के साथ बड़े लोगों की यादें हैं यार, ये देखो कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है, ये NCA की बिल्डिंग है आई थिंक ये, और ये हर टाइम इसी तरह रहती है कि आप इस बिल्डिंग को खड़े देखते रहो, इतनी खूबसूरत है ये। और वो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है शायद GC भी लाहौर की बहुत आइकॉनिक बिल्डिंग है, मेरे ख्याल है लाहौर की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग्स के अंदर से आती होगी। और GC के जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर बड़ा 50-50 चलता है, अक्सर लोग बहुत ही डाई हार्ड GC फैंस हो जाते हैं पढ़ने के बाद और अक्सर जो है वो GC को दोबारा देखना पसंद नहीं करते। तो ये अगर कोई GC स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो बताएँ कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को मिला हूँ जो GC से पढ़े हुए हैं और वो कहते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पसंद, और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं जी GC हमारी जान जिंद जिंदगी सब कुछ है। ये है वो अंदरून का माहौल, वो जवाब को बॉल लगी आके, ये जी स्ट्रीट क्रिकेट चल रही है यहाँ पे, ऑडियंस भी बैठी हुई है। और ये आई थिंक हम लोग उर्दू बाजार वाली साइड से निकले, हाँ जी ये रहा वो मशहूर तरीन उर्दू बाजार के पठूरे। कहाँ से लग रहा है कि ये रात है, कहाँ से लग रहा है, रिक्शे रेडी खड़े हुए हैं सवारियों के लिए। ये हम पहुंच चुके हैं जी दिल्ली गेट, इस गेट की और इसके अंदर एंटर होते ही एक बिल्कुल अलग वाइब है यार। ओहो दिल्ली गेट की गलियां, ये जी यहाँ पे एक्चुअल एक्सट्रीम स्ट्रीट फूड सीन जो है ना रेडियो वाला वो यहाँ पे चल रहा है। अंकल के नान शक्कर और वो देते हैं मलाई, वो बड़े मज़े का सीन है। ये आवाम यहाँ पे फुल सेहरी का इंतज़ार करते हुए, दुकानें अभी तक खुली हुई हैं यार, रात के 2 बजने लगे हैं। ये जवाद उनसे पूछ रहा है कि अंदर हम सीधा जाके बादशाही मस्जिद कहाँ से निकल सकते हैं, एक रास्ता है जो सीधा जाके आरिफ चटखारा पे निकलता है, सीधा रास्ता है, सीधा जाना भाई, आप आगे चौक है किसी से पूछ ले वहां पे, ठीक है सीधा जाना। ये बाइक शेक चले जाएंगे इजीली? अच्छा गड्डी चली जाएगी, चलो ठीक है। और ये सामने खूबसूरत मस्जिद वजीर खान, बहुत प्यारी मस्जिद है ये यार माशाल्लाह। और ये एक चौक है जहाँ पे बिल्कुल इस टाइम जो है ना वो चिकन फ्राई हो रहा है और शामियाँ बन रही हैं, टिक्के बन रहे हैं, चाय चल रही है।
ये असल में इस टाइम जो है ना वो अभी कुछ दुकानें खुली हुई हैं, जिसकी वजह से वो इसकी फील नहीं आ पा रही जो बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम आती है। और मैं एक दो दिन पहले आया था रात के टाइम, तब ये सब बंद था और सिर्फ बॉयज़ क्रिकेट खेल रहे थे। इतनी खूबसूरत लग रही थी ये गलियाँ यार। ये आ गया जी आरिफ चटखारा और फज्जे के अल मशहूर सिरी पाई वाला एरिया। जेडी यहाँ से कुछ खाना है या कुछ और खाना है, क्या प्लान है? सवा दो हो गए हैं। शिफा चले, क्या हो गया, क्या हो गया? थैंक यू भाई, इजी हो जो, क्या हुए? क्या हाल है? वालेकुम सलाम, तूने तो मुझे डरा दिया यार। खैरियत से क्या हुआ? ठीक ठाक, आप सुनाओ। थैंक यू भाई, थैंक यू। कहाँ रहते हो? अच्छा सही है, हाँ ब्लॉग में आ रहे हो। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू टू, थैंक यू। नहीं नहीं यार, भाइयों वाली बात है। और ठीक हो? चलो थैंक यू, थैंक यू भाई, लव यू, आपकी दुआएं और आपकी मोहब्बत है। थैंक यू यार, थैंक यू, ओके, थैंक यू भाई, थैंक यू। चले खाना शीफे पे, अभी आगे रुक के ना उसे कॉल कर दे कि रेडी कर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ना थैंक यू भाई, बस अभी एक आधा राउंड लगाते हैं फिर वापस आते हैं। बस आ रहे हैं, आ रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं। बस शुक्रिया भाई, थैंक यू, थैंक यू। फज्जा सिरी पाई वाले ले लो, ले लो, ले लो, चलो। थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। चलो आ जाओ, ये लो, थैंक यू। यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा, क्योंकि ये गली बहुत चमक रही है, फुल बल्बो बल्बी हो गया काम। ओए होए होए, क्रीम रोल, मेरे बचपन की एक हैवी याद है ये क्रीम रोल्स। राह दे दे ओ राणा, आ गया जे। पूरा मल्ला चौक देना। ओए होए होए, ये है खूबसूरत लाहौर का माहौल, ये है लाहौर का माहौल, पूरे खाने और जनाब पूरी रौनकें और एक जिंदा दिली की जो आपको फील आती है। हालांकि आज वीक डे है, वीकेंड पे तो मैंने आपको, अगर मेन चैनल आप फॉलो करते हैं तो मैंने एक वीडियो लगाई थी बारिश निहारी वाली, वहां से आपको अंदाजा हो गया होगा कि वीकेंड पे लाहौर क्या करता है सड़कों के साथ। वो बादशाही मस्जिद नजर आ रही है राइट पे। ओ भाई, ये कैफे, यहाँ पे हमने चाय पी थी एक दफा, ये ऐसा लगता है 60s का कैफे। अगर आपने बहुत ही 1960-70 के कैफेज की वाइब लेनी है तो ये पीछे जो दुकान थी यहाँ पे कभी भी आ जाना। यहाँ आज भी वो पुराना टेलीविजन पड़ा होता है और उस पर वही 1970-80 की फिल्में चल रही होती हैं और वहाँ वैसे ही बैठी चाय पी रही होती है। बड़ा खूबसूरत माहौल है। ये जी स्ट्रीट क्रिकेट चल रही है। ये जयकुर यार, बग्गियाँ खड़ी हैं, घोड़े खड़े हैं, सजी हुई बग्गी है। यहाँ से पीछे वो नज़र आ रही है बादशाही मस्जिद, जिसको आप बेशक पैदा हुए लाहौर में, बुढ़े हुए लाहौर में, सारी ज़िंदगी बादशाही मस्जिद आपने देखी है, हमेशा इसका व्यू जो है ना वो आपको एक अलग फील देता है। ये सामने बादशाही मस्जिद, ओफ यार खूबसूरत, खूबसूरत। ऑर्डर कर दो ना, किलो टका टक तो मस्त है ना,
जाके फिर टाइम है इतना, 1:18 ओ इजी, जाके बैठते हैं, चल जाके ऑर्डर करते हैं। बस निकलते हैं, आज वो वीकेंड वाला माहौल नहीं है। अच्छा माहौल है लेकिन वीकेंड वाला नहीं है आज। हाँ हाँ रमजान वाला माहौल, हाँ ये नॉर्मल माहौल है बिल्कुल। सही था ये जो जिस दिन वारिस गए है ना, ओए होए हद थी वो तो हद। शिफा कढ़ाई टिक्का, मेरी फेवरेट लाहौर के अंदर एक फूड स्पॉट, बेस्ट मटन कीमा और टकाटक या कटाकट कुछ भी बोल लो, और मटन कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके कटाकट और कीमा ऑर्डर करते हैं। क्या हाल है उस्ताद जी, की खिलाओगे? सर मटन कढ़ाई या मटन कीमा, देसी मुर्गा, टकाटक या चिकन कढ़ाई की खाना हुक्म करो। नान चने कोई नहीं? नहीं। यार कोई अच्छा जे टेबल, कोई टेबल ऐसा दे दे कि मोटरसाइकिल ना ला लिए सी। अच्छा भाई शिफे का जो सीन है हेवी किस्म का, मटन कढ़ाई चिकन कढ़ाई हमारी फेवरेट है यहाँ पे भाई, मटन कीमा कढ़ाई वाला और साथ में टकाटक, हेवी किस्म के टकाटक चल रहे हैं, कीमे चल रहे हैं, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, अपनी मर्जी से आगे ऑर्डर करो, फ्रेश गर्मा गर्म मिलेगा सब्जी। किलो मटन कीमा आ चुका है, और जवाब साहब कौन सा कीमा है? ये है कढ़ाई वाला कीमा। यहाँ कढ़ाई वाला कीमा, यहाँ दो तरह का कीमा होता है, एक कढ़ाई वाला एक तवे वाला, हम खाते हैं जी कढ़ाई वाला, और साथ इसकी जो रोटी है, ओए होए चलो टूट पाओ। और दूसरी चीज है जी हमारे पास टकाटक। जवाब साहब ये एक टकाटक है, दो है? ये दो टकाटक है। दो टकाटक आ चुके हैं जिसके अंदर सारे लवाजमात है, और खाने पे भाई फिलहाल हम टूटने लगे। दोनों जी बिस्मिल्लाह, सेरी हमारी डन, और तकरीबन कोई 3:30 हो चुके हैं, अब हम घर की तरफ रमा दमा। घर वापस पहुंच चुके हैं, 10 मिनट रह गए हैं तकरीबन सेरी में, और आके बाइक शाइक पार्क की, आके सुकून से बैठे हैं, पानी शानी पिया। हाँ भाई जेडी कैसी राइड रही आज की? राइड कैसी लगी आपको भाई, ड्राइवर हो गया कि नहीं हो गया? ड्राइवर बाइक का राइडर होता है, ड्राइवर नहीं होता। मैं ड्राइवर हूं। ट्रक का भाई ड्राइवर हो गया कि नहीं हो गया, बस ये भी नीचे कमेंट में बताना कि जेडी प्रो ड्राइवर। ओके हां भाई अब्दुल्ला, हवाएं खा के कैसा लगा तेरे? इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें, भाइयों को दुआओं में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है।